आज़ादी से पहले यानी अंग्रेजों के ज़माने से लकड़ी और कोयले से जब ट्रेन चलती थी उस समय भारत से नेपाल ट्रेन चलती थी, लेकिन इंजन जब नया आया तो यहाँ पर ट्रेन चलना बंद हो गया और फिर 85 साल बाद ये शुरू हुआ है ट्रेन चलना। तो पीछे में जो आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं, ऐसा वैसा रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि आपको बता दें कि भारत सरकार के द्वारा नेपाल में चलाई जा रही है ट्रेन, जो कि पिछले साल शुरू हो गया था, जो कि आपको बता दें जनकपुर से जयनगर और जयनगर से जनकपुर तक आप आ सकते हैं। उसे कहे तो कुर्था तक आगे तक भी ये ट्रेन जाती है, जो कि सिंगल रोड है, यहाँ पर देख सकते हो ये सुबह में ट्रेन आती हुई फिर आपस सुबह में जाती है, उसके बाद फिर शाम में है 4:30 में आती है और 5:30 में यहाँ से ट्रेन खुलती है। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं जनकपुर में हम, जो कि इंडिया के पिठामर बॉर्डर से 20 किलोमीटर में पड़ता है नेपाल अंदर में। और आपको बता दें कि इससे पहले भी ट्रेन चलती थी, तो पहले जो था ये पैटिक जो आप देख रहे हैं, ये पहले जब लकड़ी का हुआ करता था, अभी तो सीमेंट के कर दिया गया है, ये पैटिक पर जो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो पूरे पैटिक के बीच में जो ये पत्थर का बनाया गया है। तो पहले क्या होता था कि लकड़ी का हुआ करता था, तो उसके बाद इंजन में अपडेट किया गया तो उसके बाद ये नेपाल में ट्रेन चलना बंद हो गया था। तो फिर से पिछले साल शुरू किया गया है, जो ये लगाया गया है नेपाल में भी अपग्रेड किया गया है, यानी कि न्यू बनाया गया, पिछले साल ही उद्घाटन हुआ था। तो ये रहा पूरे जनकपुर के चारों साइड का व्यू, जो कि आप देख सकते हो। और आगे है रेलवे स्टेशन, अभी आपको दिख रहा हो, तो चलिए मैं वहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ कितना कितना प्राइस है, कितना बजे ट्रेन है, कैसा देखने में है जनकपुर का रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पर देखते हो कि नेपाल में भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही ट्रेन है, तो चलिए आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा जनकपुर हॉल्ट, लागी समय सारणी यहाँ पे दिया गया, जैसे कि जयनगर वार्ड कुर्था औठदा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे टाइम वगैरह दिया गया है आगमन, और यहाँ पे कुर्था तक जाएगी और एक बस 4:20 में आगे आएगा, तो फिर कुर्था में पहुँचेगा यहाँ पे 4 बजे, और उसके बाद नीचे में दिया गया है यहाँ से जनकपुर आगमन आएगा 11 बजे, और यहाँ से प्रस्थान 11:05 में, और वहाँ पे जयनगर में कितना बजे पहुँचेगा वहाँ पे टाइम दिया गया, और उसके बाद यहाँ पे दिया गया 17:30, तो 4 बजे वहाँ पहुँचेगा, उसके बाद 4:30 पे यहाँ पे आएगा और यहाँ से प्रस्थान करेगा जयनगर के लिए, टाइम दिया गया है 17:35, यानी कि 5:35 में जयनगर तक यहाँ से खुल के उतना बजे वहाँ पर पहुँच जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कितना कितना इसका यहाँ पर किराया है। तो इस साइड में किराए के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर नेपाल रेलवे कंपनी लिमिटेड, और यहाँ पर पूरे दाम वगैरह जो किराया है वो बताया गया है। स्टेशन का नाम हॉल्ट का सामान्य कोच एसी कोच, तो यहाँ पर कुर्था के जाने के लिए सामान्य का जनरल का जो है 20 रुपया और एसी वाले के 100 रुपया, प्रवाह के लिए 20, 100 रुपया एसी कोच का, वैदेही के लिए दिया गया 25, और यहाँ पर दिया गया है 125 रुपया, महिनाथपुर का 35 और 1:65 में दिया गया है एसी कोच का। और उसके बाद फिर यहाँ पे खजूरी का जनरल का लगेगा आपको 55 रुपया और 275 रुपया लगेगा एसी कोच का, इनरवा का 60 रुपया और 300 रुपया लगेगा एसी कोच का, जयनगर का 70 रुपया और 350 रुपया एसी कोच का लगेगा। चलिए अब चलते यहाँ से, यहाँ पे टिकट काउंटर, तो टिकट काउंटर जो है बस सीढ़ी से जो ऊपर इंटर कीजिएगा पूरी महीत दिया गया है, और ये सारे इतना भीड़ है रेलवे स्टेशन का। और ये रहा बाहर का सुनहरा सीन, जो कि जनकपुर धाम नेपाल का ये रेलवे स्टेशन है, जो कि डायरेक्ट जयनगर से जनकपुर तक यहाँ पर ट्रेन आती है, इससे आगे भी कुर्था तक ट्रेन जाती है, तो इस तरह का सीन है। ये है जनकपुर सिटी, जब रेलवे स्टेशन से आप आइएगा तो ऐसे सिटी में आपको इंटर करना पड़ेगा, इंटर करने के बाद कुछ इस तरह का व्यू। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपका अच्छा लगा हो, तो वीडियो के लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।